आगे में फिर स्टार्ट में आ गए की जात का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल चैनल टेक्ट्यूब पे। जी हाँ दोस्तों, हम पहुँचे वापस या रिमाइंड होके एकदम पूरे स्टार्ट पे। ज़बरदस्त गेम और ज़बरदस्त से भी ज़्यादा डरावना गेम मैं बोल सकता हूँ। मतलब आपने देखा ही होगा, लास्ट एपिसोड में मेरी पूरी तरह से फटी पड़ी थी। इतना डरावना है ये गेम, बहुत ही मज़ा आ रहा है खेलने के लिए। हर वक्त कुछ ना कुछ नया हो रहा है और ये गेम बहुत एडेप्टिव है, मतलब चेंज होते रहता है पूरी तरह से। और जो हमारा सपोर्टर है वो तो गधा है, पता नहीं कहाँ से उसको, उसके लिए काम कर रही है गेम में उसको तो कुछ पता नहीं क्या चल रहा है, बट बहुत ज़बरदस्त गेम है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। The system is a bit more... Damn! Well, we must do it anyway. At least we must try. Get in. तो ये बोला कि अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लॉक है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक लॉक। अब ये तो खुला है। ये क्या बात हुई? ओए! हाँ। तो ये और एक वो क्या रहेगा ना, तीन हो चुके हैं दोस्तों और एक पेंडिंग है, मतलब ये वाला तीन हो चुके हैं। अच्छा देखते हैं आप कहाँ जाना है हमें। Why is there a fire here? Was it a cleaning lady? Probably. She wouldn't be here at night. Nothing to worry about. तो साहब काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो हमारा बेसिकली किचन से एंट्री हो चुका था, हमने सेकंड फ्लोर पे एडेक में जा चुके थे, हम बेसमेंट में डंजन में भी जा चुके हैं और अब हम यहाँ वापस आए हैं। अब कहाँ जाना है ये डराम ने घर में, कहाँ जाना है हमें पता नहीं। ओ यस, Did you manage to open it? Good. But are you sure that you want to go in there? Oh, ये पूछ रहा हूँ। हमने खोल तो दिया पर ये जाना है कि नहीं अंदर? देखो हमने पहले इसमें डायमंड मिला था, वो फेक निकला, फिर नेकलेस मिला, ये भी साला फेक निकला लगता मुझे लगता है, फिर नाइफ मिला, अब ये हम वापस ले सकते हैं क्या? It's a weird feeling, but I think this dagger can't be real. अभी क्यों कर रहे फिर हम ये सब कुछ, रियल नहीं है तो। Do you think that necklaces look like colors? It's funny how easy it is to sell something bad if it's covered in gold. ये सब कुछ फेक है। This looks like a fake to me. Let's move. We came for a different thing. Yes. तो ये कर चुके, ये कर चुके, आगे क्या है? ओ ये फ्रिज वाला आइटम है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये हो चुका है हमारा। तो हमें वहीं जाना है बेसिकली, ये तीनों प्लेसमेंट करके हमने ये वाला दरवाज़ा खोलना है। उम्मीद करता हूँ हम जिंदा लौटेंगे इसमें कि अंदर। अरे ये वापस डंजन में जा रहा है। अरे यार ऑलरेडी एक डंजन कर चुके हैं, उसमें हमारी पूरी फटी पड़ी थी। ये वापस जा रहे हैं हम डंजन के अंदर दोस्तों। Sometimes ignorance is bliss. Yes, ignorance is bliss. तो आ इस डंजन में। अरे क्या हो गया? Well then, let's take a walk. You already know the drill. Someone will come, and this someone will try to kill you. The question is, who's it gonna be? Oh shit, कोई तो है वहाँ पे। तो ये डरावना चेहरा है, कोई तो राइट में गया मैंने देखा भाई, तो देखना बंद कर मुझे। कोई भी नहीं है। Don't think about what you saw.
Just look away and ignore it. You always did that very well. Hey, बंद हो गया. ये क्या बात हुई? अबे ये बंद हो गया. Hey, ये क्या है? अरे हो क्या रहा है यहाँ पे? अब कहाँ पे आ गया मैं? ये क्या है? इतने डरावने पोस्टर्स क्यों लगाए लोग ने? तो भूतिया घर है समझता है, कारपेट ठीक से लगाते नहीं. You know, there comes a moment in life when you just feel trapped, and when it seems that there's nowhere to go, you'll take any way out. अब ये नरेटर है कि ये यही बंदे ने कुछ झोल करके मुझे ट्रैप किया हुआ है. मैं बोल रहा हूँ, ये तो ये अलग अलग दिखता है. यहाँ से रिफ्लेक्शन दिखता है, यहाँ से ये बाहर जा रहे हैं. गंदा बाप रे, गंदा सा छुआ. What is happening in this house? Why am I returning to it? You probably thought a lot about it. Or maybe the opposite. You tried not to think about it at all. मुझे लगा हम बाहर जा रहे हैं. Calm down. You've already killed them. Keep going. I've prepared a small surprise just for you. अभी ये कोई साइको है, इसने मेरे को ट्रैप किया है, बोले चोरी करने करके. अब समझ में आ रहा है गेम. मुझे सोचा इनको सबको मारा और फिर भी आ रहे वापस. ये क्या है, दरवाजा है? Hey, garage. You haven't been here for a long time, haven't you? Every new job began with this car. What were you thinking when you went to that house? Was it, I'm doing this for my family? Or, this is the last one for sure? Well, you were right about that. All for their sake. Your favorite thought, huh? They never asked you for this. But you were so sure that you stole only because of them. And adrenaline rush has nothing to do with it. There's only one thing you need to do before you leave. Let's check how well you remember things. Open the fuse box and cut the blue wire. समझाने में वो क्या चल रहा है? वापस स्टार्ट में लेके आया ये. चल क्या रहा है यार? ये बोल रहा है वापस. ये बंदे ने वो ट्रैप किया. अरे ब्लू वायर. It was the easiest thing ever. You only had to cut the blue wire. तो वही तो किया था मैंने स्टार्ट में भी. गधे, ब्लू वायर तो कट किया था. पर ये घर में क्या कर रहे हैं हम इस वाले? This is the first wire I bought for my son. Do you really want to return to your family? Well, maybe you'll find a normal job. 8 hours a day, 6 days a week,
You'll be reliable, consistent, boring. Christoph Robbie को feel कर रहा मैं अभी. No. You've always thought that you were too good for a regular job. I understand. You want to stay with your family. If you decide to abandon the job, I can't stop you. Just leave the earpiece and go. You won't hear about me anymore. तो ये इसने हमें एक ऑप्शन दे दिया है कि अगर मुझे फैमिली के साथ वापस जाना है, मेरा 9 to 5 वाला जॉब करना है, तो एआरपीस रख के चला जाऊंगा और ये वापस कभी मुझे परेशान नहीं करेगा. बट तकलीफ ऐसी हो गई है कि इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ी है कि हद हो गई क्यूरियोसिटी की. उसने बोला कि ये वाला कम्युनिकेटर रख दो और बाहर चले जाओ. सॉरी, आई वाज जोकिंग. इट लुक्स लाइक दिस हाउस हैज चेंज्ड. नाउ इट्स माइन. व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इट? हैव यू डाइड और जस्ट वेंट क्रेजी इन प्रिजन? वेल, दैट इज़न्ट इंपॉर्टेंट. इन एनी केस, नाउ यू विल लिव मी. कम्युनिकेटर भी मैंने निकाल दिया. ये कोई ट्रिक हुई मेरे साथ. सब जगह फ्यूज बॉक्स ही है. ये क्या जॉब उठा लिया हमने? ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है? Your fault. Right. You can't be wrong. The blue wire wasn't here in the first place. Or maybe you had a partner who gave you the wrong instructions. It couldn't be your fault. You are a good person after all. This just can't be true. तो ये बोल रहा है कि मैं इसकी दुनिया में आ चुका हूँ और अब ये पूरा कंट्रोल करता है. ये घर उसका है. ठीक है कौन यार? और जो इंस्ट्रक्शन मुझे दिए गए थे ब्लू वायर कट करने के लिए, वो भी गलत थे. मुझे कुछ समझ नहीं रहा है क्या चल रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है यार. मैं बस घर जाना चाहता हूँ, अभी बहुत हो गया. भागो 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 भागो. ये टेलीपोर्ट कहाँ से हो रहा है? गधा. अरे ये कहाँ गया? शिट, सब लोग यहाँ पे. ओ शिट, कौन है ये? सब चले गए. मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों. ओ Police informed that the suspect in the arson of the home in East London has been detained. It turned out to be a 23-year-old native of London by the name of. The attempted robbery has ended in tragedy when the failed thief tried to turn off the alarm and caused a fire. The resulting fire led to the death of a family of three. Married couple and a child were burnt alive due to the selfish actions of the detainee. The suspect claims that he is not guilty since he didn't know about the presence of the people in the home. After all, it's never his fault, is it? Oh shit. तो it's amazing what only a few sparks are capable of. Don't be afraid. It wasn't really your fault. After all, who knows who these people were? Killers, abusers, monsters. Come on. Come up with another reason why they should have died. You did it so well before. तो इसकी बैक स्टोरी ये बताई कि एक थीफ अपने मेरे जैसा ही एंटर किया था बिल्डिंग में. यहाँ मैं ही था
और उसकी वजह से आग लग गई, क्योंकि उसने एक अलार्म ऑफ करने गया, उसके बाद उसने ऑफ़ कर दिया और जो आग लगी वो ज़्यादा स्प्रेड हो गई और उसकी वजह से 3 जन मर गए। और थीफ तो पकड़ा गया, बट उसने बोला कि मेरी गलती नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि अंदर 3 जन हैं, बट वो तीनों मर चुके। अब ये बता रहा है कि जो तीनों बने ये भी गंदे थे, मतलब अच्छी आत्मा नहीं थी उनकी। यार अब ये जाना कहाँ है, यहाँ जाना है। तो ये बैक स्टोरी थी बेसिकली इसकी। और अभी मुझे तो लग रहा है कि हम ही ये थीफ है जो इस दुनिया में अटक चुके हैं पूरी तरह से। अरे 3 खोपड़ी और मैं अकेला बीच में, अरे बाप रे। Let me give you a hint. Who is to blame? What are you imagining in your stories? The husband is guilty in the death of his wife. The wife killed her child. And the child is... I don't know. He was a monster and killed both of them. Let's see if it fits. Oh shit, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। I want to look at the... क्या लिखा है भाई? Look at the person who killed me. Okay. तो ये घर में 3 जन थे, माँ बाप और बेटा। ये बेटा, ये छोटा खोपड़ी वाला, ये आई थिंक डैड है मतलब, और ये लगती माँ थी। बट अगर आपने देखा कि पिछले स्टोरीज में सब कुछ कनेक्टेड था। एक में तो हमने देखा कि एक बेटे को बहुत बुरी तरह से अब्यूज़ करा था बाप, और फिर माँ ने उसको मार डाला, और बोलते कि बेटा मॉन्स्टर था। कुछ समझ नहीं रहा यार, ये बहुत ही कंफ्यूजन स्टोरी है। बट अभी इसको हम, ओ ये पजल है, ये पजल है। ओके, तो दोनों एक दूसरे के मुझे सेंटर में देख रहे हैं, मुझे सेंटर में खड़ा रहना है, बट इसको अलाइन करना है। देखो ये अलाइन हो गया, और मुझे लगता है मुझे सेंटर में खड़ा रहना पड़ेगा। An acceptance. I didn't expect this to happen. I didn't think we had to say goodbye, but farewell. सच में हम जा सकते हैं वापस? ये वापस हमेशा झूठ बोलता है यार। पक्का झूठ बोल रहा है। Oh shit! मैंने बोला ना। It's a pity that acceptance cannot fix the past. You know you killed them, and you will remember this. No matter what you will imagine next, we will be together forever. Oh shit! वापिस रिवाइंड हो रहा है। अरे क्या हो रहा है? क्या गेम है ये? फिर एक बार रिवाइंड हो चुका है गेम। अरे ये तो नेवर एंडिंग गेम है यार। अरे बाप रे, थक गया यार मैं तो, डर डर के फटी पड़ी है पूरी तरह से। अब क्या, सबसे डरावना गेम है ये, पूरी तरह से फटी पड़ी है हमारी ये गेम खेल के। और बार बार हम इसी चौराहे पे आके खड़े हैं, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार रिवाइंड हो रहा है ये गेम और पूरी तरह से हम यहाँ अटक चुके हैं। ये स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है। पहले तो हमें पता नहीं लग रहा था क्या चल रहा था, बट अभी काफ़ी हद तक लास्ट एपिसोड में हमें पता लगा है कि ये स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। इसकी एक बैक स्टोरी है कि हम उस एक थीफ है जो इस घर में घुसने कोशिश कर रहे थे, और हम घुस भी गए थे। हमने घुसने के लिए अलार्म बंद कर दिया था, और उसी वक्त इस घर में आग लग गई, और अलार्म बंद होने के कारण आग फैलती गई और पूरा घर में आग लग गई। हम तो यहाँ से बाहर निकल गए और पकड़े भी गए थे, बट जो 3 लोग थे अंदर, माँ बेटा और उसका पति, ये तीनों भी मर गए। अब इनकी बद्दुआ लगी हमें, और हम इस चक्रव्यूह में अटक गए। पता नहीं क्या करना है, बाहर निकल नहीं पा रहे। जब भी हम किसी को मार रहे तो हम वापस, ये रिवाइंड हो रहा है, वापस हम डे 1 पे आ रहे हैं। हो तो अभी तक हमने 4 मॉन्स्टर्स को मार दिया है, और एक आखिरी डोर है जहाँ पे हमें एंट्री करनी है। तो बस अब हम वहीं जा रहे हैं,
और हमारा जो साथीदार है उसे पूरी तरह से यूजलेस है, कुछ काम का नहीं है, उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है। अभी वापस कुछ तो बकेगा, वो भाई तो कुछ बकी नहीं रहा है। तो हमें क्लियर है कि कहाँ जाना है। मुझे लगता है कि ये एक आखिरी पड़ाव है इस गेम का, बिकॉज एक ही पेंडिंग है देखो यहाँ पे। यस, दिस डेमन थिंग वाजंट टू मच, वाज इट अ गुड एंडिंग? देयर इज नो टाइम, आई नीड टू लीव इट एज इट इज। Since when did I start talking to myself? I can't take it anymore. I need to get distracted. तो ये भी बोल रहा है कि ये डीमन वाला थिंग जो है अच्छी बात नहीं है, हमें इसको ऐसे छोड़ना चाहिए, बट अभी हम अटक चुके हैं इसमें, इससे बाहर निकलना बहुत तकलीफ है। और ये देखो ये रास्ता आगे वाला बंद है, बहुत ही डरावना है दोस्तों। बट ये आखिरी पड़ाव लग रहा है मुझे कि हमारे चारों ये ग्लो हो रहे, आप देख सकते हो, पहले एक था, फिर दो हुआ, फिर तीसरा हुआ, अभी चार हो गए। तो ये एक डोर है जो पेंडिंग है हमारा खुलना। ओह, ये ऑफिस है, किस ऑफिस है भाई? बस इतना ही है क्या? चलो जाते हो ऑफिस। ओह, यहाँ पे कुछ लिखा है। Lately, I can't get my childhood out of my head. I don't know why. ये क्या हो गया? मिस्टर वेडन वापस लोड हो रहा है। हाउस ऑन हिल्स। I always knew who I would be when I grew up. My father took care of this. Director of the factory. Very powerful person. He had big plans, and some of them were on me. But first, I had some daily schedule to do. You must wake up at 5, then homework, then school, and in the evening, the real work. ओके, ये तो बैक स्टोरी आ गई वापस। जो नरेटर है हमारा, उसकी बैक स्टोरी है, पर वो क्यों आ रही पता नहीं लग रहा है, क्या चल रहा है इसमें। तो ये बता रहा है कि इसका एक फिक्स शेड्यूल था पूरी तरह से, इसके फादर ने पूरा का पूरा एक शेड्यूल बना के दिया था कि भाई ये साल में ये होना चाहिए, ये साल में ये टाइम में ये उठना चाहिए, करना चाहिए, सब कुछ सेट हो चुका है। बट हमारे पास अभी तो कुछ भी नहीं है, ना ही हमारे पास वही, ये तो अंधेरा है। और हमारे पास यार कहाँ गई हमारी टॉर्च भी नहीं है हमारे पास, ऐसे जाना पड़ेगा मौत के कुएं में। Every day was a preparation for the future. I had goals. At age 14, a junior assistant in the sorting floor. At 15, a senior assistant. Head of the floor at 24. Replacement for my father at 31. There is no time for doubts. I would do everything for him. Every day. I hated it. I had no one to talk to. I had no idea how. Nowhere to go, and because of that, again and again. तो ये बता रहा है कि ये इतना स्ट्रिक्ट शेड्यूल में था, ना ही किससे बात कर पा रहा था, ना ही कुछ, बस अपना काम करते जा रहा था और किसी से बात भी नहीं कर पा रहा, शेयर भी नहीं कर पा रहा है, और हर दिन बस ऐसे निकल रहे थे। ये अपने पिताजी को बहुत ज़्यादा हिट कर रहा था उसकी वजह से, उसके उस शेड्यूल की वजह से, फिर उसको कुछ भी फ्रीडम नहीं था। आगे क्या हुआ ये देखते हैं। फिर वापस यहाँ आ गया हम। But I found a way out. वापस यहाँ आ गए। इसको एक जगह मिली बाहर जाने के लिए, यही तो नहीं है? अभी क्या वे आउट? कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सब बंद है। अरे हाँ, जनरल। First, it didn't work out very well. Stupid stories. It's too embarrassing to even think about them. They gave me the distraction then. तो इसने अपना जनरल लिखना चालू कर दिया। Letter from the publisher. An opportunity to leave. And at 18, on my birthday, I decided to do it. क्या बात है। तो इसको basically, I apologize to a late reply, but I wanted time
for myself and colleagues to read your work, The Grey Gentleman. Frankly, your style isn't quite polished yet. However, I want you to know talent for creating atmosphere and maintaining dark tones. I'm still having goosebumps from your gloomy descriptions of an alien slaughterhouse. Please reply to this email if you still want to work with us. I believe that our proposal might interest you. तो इसको basically एक job मिल गया इस अपने dad से दूर जाने के लिए और इस कैदखाने से बाहर निकलने के लिए. ओह, हम बाहर आ गए, बाहर जा रहे हैं, क्या बात है. Father was furious. He locked me up. He used his educational methods stronger than usual. But it's all in the past. I was able to leave, and that's what really matters. I left all this behind. I found a special girl. That's what's important. We have a wonderful baby. And we lived happily ever after. Until. तो ये बोल रहा है इसने ये सारा छोड़ के एक अच्छी ज़िंदगी जीना चालू किया. उसे एक लड़की भी मिली, उसे शादी किया, प्यार मोहब्बत शादी, और उससे बच्चा भी उनको हुआ था. और उसके आगे फिर कुछ तो हुआ बोल रहा है, पता नहीं. अभी हम अंदर जाके पता लगेगा क्या हुआ एग्जैक्टली. ये घर अच्छे मोड़ पे दिखाया गया है. ओहो, बढ़िया घर है यार, सच में अच्छा घर है. हमेशा यहाँ पे आग लगी रहती है, मतलब फायरप्लेस चालू रहता है. ये लॉक है. जाना कहाँ है, लॉक है. वो पहले बार बंद नहीं हुआ है. ऊपर जाना है मतलब. क्या बात है, एकदम फास्ट आ गया. दिन में तो फटाफट चढ़ जाता है, रात के तो फटी रहती है इसकी. सब लॉक है. तो ये इसका बेडरूम है. ओ, यहाँ पे लेटर है. क्या है ये. सो डियर मिस्टर एंड मिस मिस्ट, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट ओलिवर कंडीशन इज गेटिंग वर्स. अरे बाप रे, बींग इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ बट इट कॉन्ट एलिमिनेट द कॉज ऑफ हिज हार्ट प्रॉब्लम. आई हाईली रिकमेंड यू टू गिव योर कंसेंट टू मोर रेडिकल मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट एज सून एज पॉसिबल. वी हैव प्रिपेयर्ड अ मेडिकेशन रेजिमेंट विच हैज़ अ चांस टू रिस्टोर वर्किंग ऑफ द हार्ट बैक टू नॉर्मल. आई डाउट द सर्जरी विल बी नीडेड बट आई हैव टू वॉर्न यू दैट इट मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर. वी विल डिस्कस योर सन्स ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट विजिट. ओ, ये क्या हो गया, मतलब इसको हार्ट प्रॉब्लम थे इसके बच्चे को, और शायद हार्ट सर्जरी भी करनी पड़ती थी. छोटा सा बच्चा था यार, उसको हार्ट प्रॉब्लम. ये कहाँ गए, अलग वे मतलब इनका एक स्टोरी बताने का. It set up the stairs was marked by a lingering crack. Okay, a hack in the ceiling has led him into the attic, a dark world that was deprived of all trace of sound and light. The only thing that could break the silence was the sound of the old camera. Okay, the only thing that could help him to see was its broken camera flash. And after a few long seconds, he has finally found a door. Another flash of the camera helped him to see they were here, motionless figures. Short moments that was frozen in time. तो ये तो हमारा description तो बता रहे हैं, जैसे हम ऊपर गए और flash मारे. हाँ, ये तो हमारे बारे में describe कर रहा है. ये क्या है फिर? We tried as best we could. It was all for nothing. Bills for treatment grew every month. My novel started to get rejected, and in time her money ran out. I got a second job, then started another one. That wasn't enough. But we had a chance.
तो किसके खर्चे बढ़ते जा रहे थे, बच्चे के प्रॉब्लम की वजह से, और सेकंड जॉब से भी काफ़ी नहीं हो रहा था, बिल बढ़ते जा रहे। ओके और ये रहे बिल्स 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 बिल्स, ढेर सारे बिल्स। यस चार्ज 7536 7। अच्छा एक ही है डॉलर्स में कि पाउंड में, तो ये बढ़ते जा रहे बिल्स 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 बढ़ते ही जा रहे हैं। तो फिर ये क्या है, वो बिल से ही भरा हुआ है, बिल्स 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 बस और कुछ नहीं, आसपास में सब बिल्स ही बिल्स है भाई, पूरा कॉरिडोर बिल से भरा हुआ है। फोन कॉल आया, हेलो कौन है भाई, ये कोई समय कॉल करने का, तुम भी कॉल करते लोग परेशान करके रखा है। Is he all right? The doctor says that he's stable. Good. Good. Have you taken a nap yet? I didn't have time. The operation just ended. How are you? Work. The part with the maniac is ready. I will write it in time. Can we get another loan? You're already in debt. They won't give us any more. I just need to finish it and... You can call your father. Nadine, you know we shouldn't do that. I've already spoken to him. He has plans for me, and now he has plans for Oliver. He will break him. He is a monster. Aiden, I don't care who he is. I don't care even if he has horns in a tail. We're talking about our son right now. Listen, if he gives us money, then we won't be able to leave him. Never. No, I will sell the book, and we will solve everything. Aiden... Your last work is still in your desk, along with the previous one. How do you know that they'll buy this book? This is all that I have. I promise you, this is my best work. I just need to finish it and everything will be okay. Do you believe me? 1 month, Aiden. Then, we'll call your father. I can handle it. I promise. Just say that you believe me, and I will do everything. 1 month. तो बेसिकली सर्जरी हो चुकी है बच्चे की, और पैसा लगने वाला है, और ये एक राइटर है जिसने काफ़ी बुक्स लिखे हैं, उसकी बीवी ने इसका एक महीना दिया है कि या तो तुम पैसे जमा लो या तो तुम्हारे बाप से बात कर लो। Aiden, एक महीने में पैसे सारे लगने वाले, कैसे भी करके। We need to talk. No. I just need to proofread this thing. A bit more time, maybe a week or. More than a month has passed, and I know that you work. I just wanted to say that Oliver is stable. The doctor is waiting, and. तो इसका बच्चा स्टेबल है और डॉक्टर रुका हुआ है। Even if I try to persuade her. It's either I'm finishing the book or... How long have you been inside? Aiden, I can't worry about the both of you at the same time. We must solve this problem, and solve it now. Your father will help, and he's not so bad. You can return your books later if you want. Who cares about the books? If he gets control, it'll be the same with Oliver as it was with me. She doesn't understand. We will make it through, whatever happens. I'm sure that not everything is so bad with your father. We will talk to him, or figure something out. Oliver asked about you. I said that you're working, but you'll visit him soon. He misses you. I miss you too. Open the door, Aiden. You made a promise. Aiden, please. ओके तो एक महीना हो चुका है दोस्तों, और इसकी बीवी बोल रही कि टाइम अप्स, तो आई जस्ट वांट टू टॉक। इसने खुद को लॉक कर लिया है और ये काम करते जा रहा है, करते जा रहा है बुक फिनिश करने के लिए। मोर टाइम, द एंडिंग इज डन, आई जस्ट नीड टू पॉलिश इट एंड ओलिवर विल हैव हिज ऑपरेशन, ही विल बी फ्री। ये नहीं जाता उसके बाप से पैसे ले। नेवर अंडरस्टैंड मी, विल हैव टू ब्रेक अप, इज इट वर्थ इट? आई जस्ट वांट टू टॉक। आई एम सॉरी।
I get it, Aiden. I really do. Finish your book. I hope you'll be okay. Goodbye. वो इसकी बीवी चली गई क्या? खत्म हो गया। तो दोस्तों ये बैक स्टोरी बता दी। बेसिकली मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैंने एक ही ऑप्शन लिया, बट मुझे दूसरा, अगर मैं दरवाज़ा खोलता तो क्या होता यार? ये गेम बहुत मिस्टीरियस है, शिट, मैं दरवाज़ा खोलना चाहिए था। मैं बुक लिखते रहा, बुक लिखते और बीबी छोड़ के चले गई। मैं चाह रहा था कि ओलिवर को बचा लूँ किसी भी तरह से, और मैं नहीं चाह रहा कि जो इसके साथ हुआ उसके बच्चे के साथ भी हो, और ये भी नहीं चाह रहा था बेसिकली। इसके डैड बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बट एक बार वापस कंटिन्यू करके देखते हैं दोस्तों कि हमें वो ऑप्शन वापस मिलता है क्या नहीं। ओ यस यस यस, तो ये अल्टरनेट एंडिंग है, ये भी देख लेते हैं दोस्तों। Aiden, are you okay? We need to talk. No. I just need to proofread this thing. A bit more time, maybe a week. I will leave it all behind. I can work with my father. We can come up with something together. But if only I had a couple more days. No, that does not matter. Hello, Nadine. अच्छा ओके, तो ये ऐसे दो चॉइसेस है बेसिकली। तुम लिखते रहो तो आई वुड लॉस्ट द वाइफ, बट अगर उसके साथ चले जाओ तो भले डैड से पैसे लेने लगे, बट आई वुड सेव माय वाइफ एंड माय रिलेशनशिप। ऐसे दिखाया, बहुत बढ़िया गेम है, बहुत मज़ा आया, बहुत ही क्यूट सा गेम है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया रहेगा ये गेम में। ये बहुत ही ज़बरदस्त मिस्टीरियस गेम था, और हॉरर तो पूछो मत, बड़ी बड़ी थी। और मतलब मैं बैठ के रात को चिल्ला रहा था, मेरे घर वाले बोल रहे क्या हो गया तेरे को। बट बहुत ही मज़ा आया गेम खेलने के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत मज़ा आया। ज़रूर आप अपने चहेते चैनल को फॉलो कीजिए टेक ट्यूब, और भी अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को भी बताइए इस चैनल के बारे में। हमें चाहिए और भी सपोर्ट, और भी प्यार, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा। और इतना ही नहीं दोस्तों, हमारा जो टेक ट्यूब चैनल है उसी का इंस्टाग्राम आईडी है TechTube247। जी हाँ दोस्तों, TechTube247, उसे भी फॉलो करना। ऐसे मज़ेदार गेम हम लेते आते रहेंगे आपके लिए, जिसमें हम हमारी भी फटी रहेगी और आपकी भी फटी पड़ी रहेगी। मजाक कर रहा हूँ, बट बहुत बढ़िया गेम है, तो ज़रूर एंजॉय कीजिए और देखते रहिए आपका चहेता चैनल TechTube। और भी बढ़िया गेम आएगा दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको अगले गेम में, अगले सीरीज़ में। चले दोस्तों, मिलता हूँ।